तो दोस्तों, आपको एक 5G फोन लेना है या फिर आपने 5G फोन लिया हुआ है और आपको 5G का स्पीड, बैंडविड्थ, नेटवर्क बैंड इसके बारे में ज्यादा जानना है, या फिर अगर फोन नहीं लिया हुआ है तो आपको ये जानना है कि कौन सा 5G फोन सबसे ज्यादा अच्छा है। आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आई एम टेलिंग यू, 5G के बारे में आपको सब कुछ पता चलेगा और 5G का कौन सा फोन लेना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सो वेट फॉर इट। लेकिन 5G के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जानते हैं पहले। सबसे पहले दोस्तों, पूरे दुनिया में नियरली 2018-19 में 5G आना चालू हुआ। इंडिया में 2022 में आया, एक डेढ़ महीना हो गया है आके। एयरटेल के कुछ 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी 5G पे आ गए हैं। जियो के शायद उससे ज्यादा होंगे, 4-5 मिलियन होने वाले हैं। तो लोग अब इस्तेमाल करने लग गए हैं 5G। लेकिन याद रखिए दोस्तों, इंडिया में मिलीमीटर वेव नहीं आया हुआ है, इट इज ऑल सब 6 GHz। अब इसका मतलब क्या, जो भी बैंड्स है दोस्तों, एक तो होते हैं जो 1 GHz से कम होते हैं, जी हाँ, सब 1 GHz जिसे कहते हैं, 700 MHz, 800 MHz, जो स्पेक्ट्रम अभी 5G के लिए सिर्फ जियो के पास है और एयरटेल के पास 1 GHz से लेके 6 GHz तक, उसके बीच में जो मिड बैंड्स कहते हैं उनके जो स्पेक्ट्रम है वो एयरटेल के पास है। और जो हाई बैंड्स होते हैं जो कमर्शियल एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो वी विल नॉट टॉक अबाउट दैट। दोस्तों, बैंड्स के बारे में मैं इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं, उसके ऊपर से डिसाइड करना है कि स्मार्टफोन्स कौन से बाय करने, किस बैंड को सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर मैं सब 1 GHz के बारे में बात करूं तो उनका एक फायदा होता है, कवरेज जो है बहुत ज्यादा होता है। इसका मतलब आप बेसमेंट में भी हो तो भी आपको स्पीड मिलेगा, आप क्लियरली बात कर पाओगे। मिड बैंड में स्पीड्स ज्यादा होते हैं लेकिन उनका जो कवरेज है वो थोड़ा कम होता है। तो मिड बैंड सपोर्ट करने वाला अगर फोन होगा जिसमें मिड बैंड्स हैं लेकिन लोअर बैंड्स नहीं है, सब 1 GHz, तो आप बेसमेंट में हो तो शायद आपको इशू आ सकता है स्पीड या फिर बात करने में। अब दोस्तों, बैंड्स और फ्रीक्वेंसी में कुछ डिफरेंस है क्या, इसका मतलब कुछ रिलेशन है क्या? यस, टू अ सर्टेन एक्सटेंट। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, 1 GHz के नीचे जो भी फ्रीक्वेंसीज हैं उनमें टोटल 4 बैंड्स हैं, N5, N8, N20, N28। ये जो बैंड्स हैं ये सब 1 GHz हैं। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली जियो के बारे में बात करूं तो वो इस्तेमाल करते हैं N28। तो जो स्मार्टफोन N28 इस बैंड को सपोर्ट करेगा, और अगर वो फोन लेके आप बेसमेंट में भी जाओगे जहां पे बहुत सारे वॉल्स वगैरह हैं, फिर भी आपको कवरेज अच्छा आएगा। एट द सेम टाइम अगर N28 वाला नहीं है, आपके पास N77, जो मिड बैंड्स हैं, N77, N78 वाले फोन है, वो अगर आप लेके जाओगे, N28 का सपोर्ट नहीं है, तो उतना ज्यादा अच्छा कवरेज आपको नहीं मिलेगा। लो बैंड्स का, सब 1 GHz का और एक फायदा है दोस्तों, एंड फायदा यह है कि जब आप ट्रैवल कर रहे हो फास्ट स्पीड्स में, एक सिटी से दूसरे सिटी जाते हो, तो बहुत ही सीमलेसली स्विच हो जाता है, तो आपको कनेक्शन मिलने में जब मूव करते हो सिटी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो रोमिंग में दैट इज अ बिग एडवांटेज। अब दोस्तों, 5G इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर जब मैं कह रहा हूं, इसका मतलब अलग अलग टाइप के नेटवर्क है। इनफैक्ट इंडिया में अभी तो वी के बारे में पता नहीं है, एयरटेल और जियो दोनों 5G लेके आए हैं, लेकिन जो एयरटेल का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 4G के ऊपर ही उन्होंने बिल्ड किया है। इसका मतलब जो 4G के टावर्स थे उसी से आपको 5G मिल रहा है, और इसीलिए उसे नॉन स्टैंड अलोन कहते हैं। लेकिन जियो ने उनका जो 5G का इंफ्रास्ट्रक्चर है ग्राउंड अप पूरा नया बिल्ड किया हुआ है, उसकी वजह से उनका स्टैंड अलोन है। तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताना चाहूं तो एयरटेल जो है वो 4G++++ ऐसे मैं कह सकता हूं, वेयर एज रियल 5G जो है मैं कहूंगा जियो का है, क्योंकि वो स्टैंड अलोन नेटवर्क। और दोस्तों, ये बात साबित भी होती है जो उकला का नया रिपोर्ट आया हुआ है उसके हिसाब से, जो जियो के स्पीड्स हैं वो 600 Mbps के ऊपर, 600-800 Mbps तक जाते हैं, वेयर एज अगर मैं एयरटेल के बारे में बात करूं तो वो 350 Mbps से लेके 500-550 Mbps तक जाते हैं। तो स्पीड स्टैंड अलोन में ज्यादा अच्छा होता है। सो ओवरऑल अगर मुझे रिकमेंड करना है कि कौन सा नेटवर्क आपने चूज करना चाहिए, मोबाइल नेटवर्क, तो स्टैंड अलोन होगा। बट याद रखिए दोस्तों, स्पीड इज नॉट एवरीथिंग। जी हाँ, अभी क्या हो रहा है पता है, बहुत सारे लोगों को 5G मिल गया है, वो स्पीड टेस्ट रन करते हैं, 1 Gbps वगैरह उन्हें मिलता है, लेकिन उसमें हार्डली इन 10-15 सेकंड्स उनके 500 MB, 600 MB खत्म हो जाते हैं। तो स्पीड ज्यादा होने के थोड़े से नुकसान भी है, बट दैट इज व्हाट आई थिंक यू शुड नो। लेकिन दोस्तों, आप पूछोगे कि भाई मुझे 5G कब मिल रहा है, क्योंकि अभी सिर्फ मेट्रोज में ही रोल आउट हो गया है। 60 या 70 करोड़ लोग जो है स्मार्टफोन्स इस्तेमाल करते हैं, उससे कम या ज्यादा, लेकिन 5G शायद मेरे हिसाब से 1 करोड़ से भी कम लोगों के पास अभी है। लेकिन जियो ने स्पेसिफिकली कहा हुआ है कि पैन इंडिया रोल आउट जो है उनका December 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा, वेयर एज एयरटेल का जो है दैट इज गोइंग टू गो टिल 2024। दोस्तों, मैंने लो बैंड्स जो सब 1 GHz के लिए 4 बैंड्स मैंने बता दिए, मिड बैंड्स में ऐसे 6 बैंड्स हैं टोटल जिसके ऊपर फोन, सो टोटल आप देखोगे तो 10 बैंड्स का आइडियली सपोर्ट होना चाहिए एक स्मार्टफोन में। मिड बैंड्स के बारे में बात करूं तो N1, N3, N40, N41, N77 एंड N78 ये अब इंपॉर्टेंट है। और मिड बैंड्स में अगर मैं मोबाइल नेटवर्क के सपोर्ट के
बारे में बात करूं तो जियो और एयरटेल दोनों भी N77 और N78 को अभी सपोर्ट करते हैं। तो आइडियली आपका फोन अगर 10, 11, 12 बैंड्स भी नहीं होंगे, फिर भी N28, N77 और N78 ये जो बैंड से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उभर के निकलते हैं इंडियन कंडीशन में फॉर अ इंडियन स्मार्टफोन। तो N28, N77 और N78 ये तीन बैंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके फोन में होने चाहिए। लेकिन दोस्तों ये तो हो गया 5G के बारे में, अब बात करते हैं फोन्स, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इवन फोन्स में भी अलग फोन्स हैं जो अलग बैंड्स को सपोर्ट करते हैं। कोई कोई फोन्स में कनेक्टिविटी अलग होती है, किसी में कैरियर एग्रीगेशन होता है, मीमो 2x2 या फिर 4x4 मीमो होता है, किसी किसी में नॉर्मल सिंगल बैंड कनेक्टिविटी होती है। तो इसके बारे में भी जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर बाइंग अ 5G स्मार्टफोन, ये नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। तो क्यों ना ऐसे करते हैं दोस्तों, हमने अलग अलग 5G फोन्स, बहुत सारे 15-20 फोन्स हैं जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुए, उनके बारे में बात करते हैं। हमने एक्सटेंसिव स्टडी किया हुआ है अलग अलग ब्रांड्स को लेके कि कौन सा ब्रांड जो है सबसे ज्यादा 5G कनेक्टिविटी देता है, सबसे ज्यादा बैंड देता है, कनेक्टिविटी के मामले में सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा है। ओवरऑल दोस्तों अगर मैं सभी ब्रांड्स के बारे में बात करूं तो एक चीज मुझे ज्यादा अच्छी लगी, ब्रांड्स जो है ना मोबाइल नेटवर्क्स के साथ मिलकर अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। अगर ब्रांड्स के बारे में भी बात करूं तो सैमसंग, पोको, रेडमी, ये जो फोन्स है ना ये मैं कहूंगा अच्छे हैं, क्योंकि 10 बैंड में से इनका जनरली 7, 8, 9 बैंड्स का सपोर्ट होता है। सो 90% ऑफ द टाइम्स ऑल द बैंड्स आर कवर्ड, इवन फ्यूचर प्रूफ मैं कहूंगा। अभी N77, N78, N28 का सपोर्ट है, ये तीन ही बैंड्स हैं, लेकिन फ्यूचर में अगर वी कोई नया बैंड लेके आए या फिर जियो भी नए बैंड्स पे आपको इंटरनेट दे रहा है 5G इंटरनेट, देन वो भी सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन एक ब्रांड जो है ना मेरे हिसाब से स्टैंड आउट हो रहा है और वो है मोटोरोला। उनके सभी फोन्स हमने देखे, सब जो भी बैंड्स इंडिया में होने वाले हैं, सपोर्ट जिनका होने वाला है, सभी बैंड्स को मोटोरोला के जो फोन्स हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। आप कोई भी फोन लीजिए रिसेंटली लॉन्च, कम से कम 12 या 13 बैंड्स को सपोर्ट करते हैं। तो कुछ कुछ ऐसे भी बैंड्स हैं जो आप इंटरनेशनली जब ट्रैवल करोगे तो उसका भी आपको फायदा होगा, क्योंकि 10 बैंड्स टोटल हैं इंडिया में, लेकिन अगर बाहर की कंट्रीज में जाओगे तो और भी ज्यादा बैंड्स हैं। तो वो भी ध्यान रखिए, अगर आपके इंटरनेशनल ट्रैवल बहुत ज्यादा होता है और उधर आपको 5G चाहिए तो सिर्फ 10 बैंड्स ही नहीं, जिस कंट्री में आप जाओगे उस कंट्री के जो बैंड्स हैं उनका भी सपोर्ट होना चाहिए। उस मामले में मैं कहूंगा मोटोरोला के जो फोन्स हैं दे रियली स्टैंड आउट। वन मोर थिंग जो मुझे अच्छी लगती है, बहुत जो दूसरे ब्रांड्स हैं ना सस्ते फोन जो होते हैं 10 से 15 हजार के बीच में बजट रेंज के फोन्स हैं, उनमें कम बैंड्स का सपोर्ट देते हैं, जो फ्लैगशिप लेवल के होते हैं उनमें ज्यादा बैंड्स का सपोर्ट होता है। बट अगर मैं मोटोरोला के बारे में बात करूं, लिटरली 11.5-12 हजार से उनके फोन स्टार्ट होते हैं एंड दे गो ऑल द वे अप टू 50-60 थाउजेंड, जो उनके एज सीरीज वगैरह सभी में आपको 12-13 बैंड्स का सपोर्ट मिलता है। सो आई मस्ट गिव अ बिग थम्स अप टू मोटोरोला इन दैट सेंस। लेकिन और एक चीज मैं बात इधर करना चाहूंगा, क्योंकि वी आर जस्ट एट द स्टार्ट, बहुत बार ऐसे होता है कि फोन्स जो है 5G बैंड्स को सपोर्ट करते हैं फिर भी आपको 5G नहीं मिलता है, देयर इज अ रीजन, वो लॉक्ड होते हैं, उनके लिए सॉफ्टवेयर अपडेट लगता है। फॉर एग्जांपल अभी आईफोन जो है 1 महीना हो गया 5G आके, फिर भी अभी भी जो आईफोन्स हैं दोस्तों उनके ऊपर आपको 5G नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनको एक सॉफ्टवेयर अपडेट देना पड़ रहा है। सो ऑल द ब्रांड्स नीड टू रिलीज अ सॉफ्टवेयर अपडेट। सैमसंग उस मामले में कहूंगा इज रियली गुड, क्योंकि वो अपडेट्स दे रहे हैं, इमीडिएटली जैसे ही 5G नेटवर्क आता है आपका फोन सपोर्ट करेगा। क्विकली 2-3 फोन्स के बारे में बात करूंगा जो मुझे लगा स्टैंड आउट है। मोटोरोला की कनेक्टिविटी भी अच्छी होती है, क्योंकि कैरियर एग्रीगेशन वगैरह होता है। तो अगर 15,000 के नीचे आपको एक फोन चाहिए दोस्तों, मैं रिकमेंड करूंगा एज अ ऑलराउंड परफॉर्मर G51। और थोड़ा बजट आप 16,000 तक एक्सटेंड कर सकते हो तो उनका मोटोरोला G62 भी अच्छा है दोस्तों, क्योंकि उसका डिस्प्ले जो है दैट इज मच बेटर, सो You can look at that। वैसे दोस्तों मैं स्क्रीन पे हर एक प्राइस रेंज में जो है अंडर 20,000 के दिखा रहा हूँ कौन से फोन्स आप देख सकते हो, यू नो रिकमेंडेड वंस। अगर दोस्तों 25,000 के नीचे फोन्स के बारे में बात करूं तो मैं दो कहूंगा आपसे, एक तो मोटो G82 अच्छा है, साथ में रेडमी K50i भी मैं कहूंगा बहुत सिमिलर है, सो यू नो यू कैन लुक एट बोथ ऑफ देम। याद रखिए दोस्तों ये 5G फोन्स रिकमेंडेशन है। और अगर अंडर 30,000 के बारे में बात करूं तो मोटोरोला का मोटो H30 है, या फिर इवन ओप्पो का जो रेनो 8 है वो भी आप देख सकते हो। पोको के मामले में बात करूं तो पोको F4 भी इज प्रीटी गुड। और अगर मैं प्रीमियम रेंज के बारे में बात करूं बिटवीन 30,000 and 40,000 तो मैं कहूंगा अगेन मोटो H30 फ्यूजन है, मोटो H30 अल्ट्रा भी है दोस्तों उसी प्राइस रेंज में आता है अराउंड 40,000 के। दोस जनरली इनफैक्ट सभी ब्रांड्स के जो फोन्स हैं प्रीमियम प्राइस सेगमेंट में ज्यादा बैंड्स देते, तो देयर यू विल नॉट गो टू रॉन्ग। तो उस टाइम आप स्पेसिफिकेशंस देखिए, हमारे अंडर 40,000 बेस्ट फोन्स की वीडियोस देखिए, आपको पता चल जाएगा कौन से आपने लेने चाहिए। और वैसे प्रीमियम फोन्स में 5G आता है, 4G सिर्फ 4G फोन्स प्रीमियम फोन्स में नहीं है, दे आर जनरली
5G. फाइनली एक सवाल मुझे हमेशा पूछते हैं लोग कि भाई अब 5G आ गया तो 4G चला जाएगा क्या, 4G के फोन हमने लेने चाहिए या नहीं? नहीं दोस्तों, 4G इज गोइंग टू बी देयर फॉर नेक्स्ट 2-4 ईयर्स. तो अगर स्पीड की आपको ज्यादा जरूरत नहीं है, यू कैन ऑल्सो लुक एट 4G फोन्स. वैसे दोस्तों अगर आपने 5G फोन लिया हुआ है तो दोस्तों इन रिकमेंडेशन से आपको पता चल गया होगा कि जनरली जो मोटोरोला के फोन है वो 5G के लिए अच्छे हैं. इनफैक्ट मोटोरोला का एक खुद का फ्रेज है रॉक्स, कि जहां पे वो 5G कनेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं. रॉक्स यानी जो बेसिकली एक शॉर्ट फॉर्म है रॉक्स उनका, तो रिलायबल, उसके बाद में ऑप्टिमाइज कवरेज, किलर स्पीड्स एंड सिक्योरिटी, ये सब जो चीजें हैं वो मोटोरोला फोन्स में होती है. दैट इज व्हाट द ब्रांड सेज, दैट्स व्हाई रॉक्स. सो रिलायबल क्यों? तो फिर कैरियर एग्रीगेशन आता है, 4x4 मीमो आता है दोस्तों, वॉइस ओवर NR या फिर वॉइस ओवर 5G आप कह सकते हो, दैट्स व्हाई रिलायबल. ओ यानी ऑप्टिमाइज, अगेन ऑप्टिमाइज क्यों? क्योंकि 4G से 5G जो स्विच होता है वहां पे बैटरी वगैरह बहुत ज्यादा जाती है, बट मोटोरोला ने उन्हें ऑप्टिमाइज किया हुआ है. और कवरेज के बारे में तो बात हो चुकी है दोस्तों, सभी बैंड का सपोर्ट है, तो मिड बैंड लो बैंड सब सपोर्ट करते हैं फोन. और किलर स्पीड्स बेसिकली सभी बैंड्स होने की वजह से लो बैंड में आपको कवरेज मिलता है, मिड बैंड्स में आपको स्पीड्स ज्यादा मिलते हैं. और फाइनली दोस्तों 5G के बारे में और एक सवाल आता है कि भाई ये जो SAR वैल्यू एक ज्यादा होती है क्या? अगेन मोटोरोला के फोन्स टेस्टेड है, सबके SAR वैल्यूज आर विद इन लिमिट्स, एंड ऑब्वियसली उनका थिंक शील्ड है, तो सिक्योरिटी के मामले में भी वो अच्छे है. और अगर आपके पास 5G फोन ऑलरेडी आपने खरीदा हुआ है और आपको पता नहीं है कि बैंड्स कौन सा सपोर्ट करता है आपका फोन, तो उस ब्रांड के वेबसाइट पे जाइए, सैमसंग के वेबसाइट पे जाइए, उधर आप चेक कर सकते हो. मोटोरोला के वेबसाइट पे जाइए, उधर आप चेक कर सकते हो. सो यू कैन चेक कि कौन से बैंड का सपोर्ट आपके 5G स्मार्टफोन में है. तो दोस्तों इस वीडियो का एक ही मतलब था, क्योंकि आप लोगों ने इतने सारे सवाल पूछे, आज करूं में भी आप, मैं हमेशा आंसर करता हूं पिछले 4-5-6 हफ्तों से, तो मैंने कहा एक वीडियो बना के आपको बता दूं मेरे रिकमेंडेशंस क्या है, 5G नेटवर्क क्या होता है. और सिर्फ 5G इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ओवरऑल फोन जो है उसका कैरियर एग्रीगेशन है, यानी बाकी सब चीजें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एंड दैट्स व्हाई आई डिड दोस रिकमेंडेशंस एज वेल. आई होप इस वीडियो से आपको कुछ फायदा हुआ होगा, जरूर आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. शेयर करना स्पेशली व्हाट्सएप पे मत भूलिए, लाइक अगर करोगे सब्सक्राइब करोगे तो और भी अच्छा लगेगा दोस्तों. चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ.